बिहार में युवाओं की पसंद क्या होगी, इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ आरजेडी के युवा नेता और युवाओं का प्रतिनिधित्व बिहार में कर रहे हैं तेजस्वी यादव, बहुत बहुत स्वागत आपका। जेडीयू के वरिष्ठ नेता अली अनवर साहब हमारे साथ हैं और हमारे साथ हैं बीजेपी के युवा सांसद मनोज तिवारी, बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का। अब तेजस्वी आपसे शुरू करूंगी क्योंकि आप सबसे छोटे हैं इस चर्चा में। नहीं, सबसे युवा भी हैं इस पैनल में, तभी मैंने कहा। और जब मनोज तिवारी जी जब युवा हैं, मेरे ख्याल से कितना उम्र हो रहा होगा आपका? 42 साल। 42 साल तो मेरा 27 साल, तो हम युवा के भी युवा हुआ। देखिए, ये सही है कि तेजस्वी जी हम लोगों में सबसे युवा हैं। युवा ही नहीं है, हम लोग तो दोनों दुल्हा बन गए हैं, ये पहली बार दुल्हा बन गए। मेरे माइग्रेशन में बहुत बड़ा दर्द है जो सबके पास है। हम भी चाहते थे अपने खेत में काम करें, हम भी चाहते थे अपने गांव रह के दो रोटी कमाएं, लेकिन वो नहीं हो पाया। मेरी किसी से शिकायत नहीं, मेरी शिकायत अपने उन हजारों लाखों यहाँ से गए हुए लोगों के लिए है कि हमारे पास योग्यता है, हमें अपने राज्य में काम करने का अवसर दो और ये युवा हमें देगा। ये एक बहुत बड़ी चिंता है बिहार के युवा के लिए, उसको कैसे एड्रेस करेंगे? देखिए, देश हमारा है, कहीं भी कोई भी जाके वो नौकरी कर सकता है और पढ़ाई कर सकता है, मगर मनोज जी भले आदमी हैं, इनके पार्टी के लोगों का क्या कहना है? विजय गोयल जो बीजेपी के नेता हैं दिल्ली के, जब बिहारी भाई लोग वहाँ जाते तो बोलते हैं कि बिहारी को भगाओ। महाराष्ट्र में इनकी सरकार बनी नहीं, महाराष्ट्र में सरकार नहीं विजय गोयल का, महाराष्ट्र में सरकार बनी बोलते हैं कि भाषा जब तक मराठी नहीं आता होगा तब तक कोई ऑटो रिक्शा नहीं चलाएगा। किसकी तादाद है वहाँ मनोज जी? आपकी सरकार बनती है तो वहाँ से भगाते हैं। ये बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया, मैंने जैसे सुना ना मैंने उसका तुरंत फोन किया। एक्चुअली ये रूल बहुत पहले से है, ऐसा नहीं कि आज के कांग्रेस के टाइम से माना जाए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। रूल पहले से वो रूल है, लेकिन शिवसेना भी तो रूल कर रही थी, आप ही के पार्ट एंड पार्सल तो है। वो कोई नया रूल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर भारतीयों के साथ भेदभाव सरकार ने नहीं किया है। 500 में 350 लाइसेंस हमारे उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को दिया गया है। मनोज जी, बहुत पहले कुछ साल पहले आपने बिहार की इस बेरोजगारी को लेकर एक गाना भी बनाया था, मुझे कुछ लोगों ने बताया ये बात, मैंने खुद तो नहीं सुना है, लेकिन उसमें कुछ एक दर्द था बेरोजगारी को लेकर। नहीं, मैंने कई बार मेरे लिए बिहार का हर व्यक्ति मेरे भगवान की तरह है, मेरे मालिक की तरह है, क्योंकि सबने जो कुछ दिया उसके कारण आज मैं तो पूरे उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड का सांसद हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली का हूँ, सब लोगों ने मुझे बनाया है, तो मैं तो सबका हूँ। मैंने कई बार दर्द गाया, मैंने कहा था, अब मैं आज गाना गाऊंगा ना तो थोड़ा सा देखिए माहौल दूसरी तरफ चला जाएगा। हम बहुत ही अच्छे चर्चा में बैठे हैं और एक बेहतर बिहार के लिए। वो बिहार का दर्द ही तो है जो लोगों के सामने आ रहा है, मुझे लगता है कि एक एक अगर आप यहाँ हैं तो अब हम गाएंगे तो तेजस्वी को भी गाना पड़ेगा, फिर हमारे आप अनुरोध कर लीजिए गाएंगे तो उससे बेहतर कुछ नहीं। नहीं, मैंने एक दर्द दिया था कि बॉम्बे दिल्ली कैला गुलजार हो, बिहार यूपी सुन कैला भाई जी, आजा घरे बाबड़ी बहार हो। मैंने हमेशा बुलाया, मैं कोशिश कर खुद भी आना चाहता हूँ। इन सारी पंक्तियों में मेरा सिर्फ एक ही सोच है कि आने वाले समय में अब सबके तो मौका मिल ही गिल, एक बार हमनियों के मौका मिल जाए भाई। जो आंकड़े हैं, मौका मिलेगा, लेकिन बिहारियों को बंबई से भगाने वाले उनका साथ तिवारी जी छोड़ी मौका थे से बड़का भाई। आपने क्या कहते तेजस्वी? देखिए, जब लालू जी सरकार में बने 1990 में तो आपको पता होगा कि गांधी मैदान और रेलवे स्टेशन गिरवी था। क्या स्थिति थी पहले देश बिहार की, जब वो संभाले तो उस समय का जो दौर था वो सामाजिक न्याय का दौर था, जिसको उन्होंने बेखूबी मंडल कमीशन लागू करके लोगों को, जो पिछड़े वंचित जो लोग हैं, अंतिम पैदान पे जो लोग बैठे हुए थे उनको वो मुख्यधारा में लाने का काम किए और उनकी आवाज़ों को बुलंद करने का काम किया। अब जो दौर आया है वो आर्थिक न्याय का है, तो हमारी कोशिश ये है कि सामाजिक न्याय के साथ हम लोग आर्थिक न्याय लोगों को देने का काम करें, मगर विकास किसका, सबों का विकास होना चाहिए, ये नहीं कि विकास हो तो कुछ लोगों को उसका फायदा हो। हमारी कोशिश है कि सबका, चाहे कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म के लोग हो, उनको विकास हो और मुख्य धारा में जब तक नहीं आएंगे। जाति की राजनीति आरएसएस जैसे नहीं,
क्यों नहीं, आप बताइए कितने लोगों का फायदा हुआ है? जाति नहीं है, ये तो विकास है। मेन हमारी लड़ाई गरीबी से है, मगर आप गरीबी को आइडेंटिफाई कैसे कीजिएगा? लेकिन गरीबी की बात आप कम करते हैं, जाति की बात ज्यादा करते हैं। जाति की बात हम ही कर रहे हैं ना, जाति की तो बात नरेंद्र मोदी जी कहते थे, बिहार में आते थे तो बोलते थे कि यदुवंशी भाइयों हम द्वारका से आए, काहे एक कास्ट को टारगेट लिए। फिर अभी कुछ दिन पहले आए तो बोले लालू जी जहर पी ले तो पूरा यदुवंशियों को काहला जहर पीना। आपके पिता नहीं, आप बताइए यदुवंशियों की बात करते हैं, मैंने एक भी सेमिनार में बीजेपी का जितना जाति सम्मेलन हुआ सब कृष्ण मेमोरियल हॉल में लोगों ने करने का काम किया। किसकी जिम्मेदारी है कि जातिगत राजनीति से बिहार को उबारे? राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी नहीं है? जिस दिन जाति देखे सच्चाई है, सच्चाई है, मैं भी मान रही सच्चाई। अगर मनोज तिवारी जी मनोज तिवारी लिखते, तेजस्वी यादव यादव लिखता है, तो यानी जाति है, उसको उसको नकार नहीं सकते। शुरू से चला और ऐसी बात हम लोगों पे नहीं, मनोज जी हम लोगों पे ये ब्लेम नहीं डालना चाहिए। क्या हम लोगों ने या लालू जी ने बैठ करके जाति बनाने का काम किया? नहीं, वो तो कब से चल रहा है, कौन बनाया, जो दोषी है वो जाने। मैं ये कहना चाहता हूँ, लास्ट जो आरक्षण की बात, आरएसएस वाले लोग कहते कि भैया, मैं सवाल बदल देती हूँ, आरक्षण खत्म करना चाहिए। लालू यादव जो मंच पर बोलते हैं वो ये उपलब्धियां कभी नहीं गिनाते। सोचने की बात है कि हम लोग इतने समय तक आ गए, बातें भी होती हैं, तर्क भी होता है, लेकिन आज भी हमारा जो राज्य है वो पूरे देश में प्रति व्यक्ति आय में सबसे पीछे खड़ा है, और बल्कि राष्ट्र के औसत आय से भी हम आधे में हैं। पूरे देश का अगर औसत आय 31,000 है, इसका वजह ये भी है कि आप लोगों की पार्टी ने जिस तरह से हमारे बिहार को बदनाम करने का काम किया, जंगल राज बाहर बोलने का, तो सब लोगों को जो डरा करके आप लोगों ने काम किया, भय बना के रखा है, बिहार मत जाना, बिहार से आपका अपहरण हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा, जो इमेज जो बिहार का बिगाड़ा गया, इसलिए कोई बाहर से इंडस्ट्री नहीं आता। और जितने इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, जितने पूंजीपति लोग हैं, सब मोदी जी के दोस्त हैं। बोलिए भेजे यहाँ इंडस्ट्री, कभी भी ये जो डाटा होते हैं, ये जो डाटा होता है, ये सरकार का डाटा है। जब भी डाटा होता है कि अपहरण बढ़ रहा है, हत्या बढ़ रहा है, तो ये कोई पार्टी नहीं बोलती, बल्कि डाटा बोलता है। डाटा बिहार 22वें नंबर पे है क्राइम रिकॉर्ड में, 22वें नंबर पे। जिस डेटा की आप बात कर रहे हैं, मैं बता दूं, 8,000 करोड़ का निवेश पिछले 5 साल में बिहार में हुआ है, लेकिन उसमें से ज्यादातर प्रोजेक्ट्स टेक ऑफ नहीं हो पाए हैं। राज्य सरकार ने क्या किया उन प्रोजेक्ट को टेक ऑफ करने का, ये किसकी जिम्मेदारी है? देखिए, उस समय तो हम लोग सरकार में थे नहीं, और जो सरकार के लोग हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव थे उस समय, मेरे ख्याल से ये टेक्निकल चीज़ें वो बेहतर समझाने का काम करेंगे। मगर जहाँ तक जो बात है, जो पैकेज की जो बात नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, इसमें जो 125,000 करोड़ का जो पैकेज देने की बात किए हैं, ये सारा 2008 का यूपीए गवर्नमेंट से सैंक्शन हो चुका है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा जो पैसा लगना है, दो प्रोजेक्ट्स पे, एक गैस पाइपलाइन का है और एक रोड का है। तो जो गैस पाइपलाइन है वो बंगाल से यूपी जाना है, बीच में बिहार आता है, तो इसमें क्या नया है? रोड भी जो है वो बंगाल से यूपी जाना है तो बीच में बिहार आता है, इसमें नया क्या है? ये तो लोगों ने चीट करने का काम किया है। आज बिहार के दो सबसे बड़े नेता लालू जी और नीतीश जी, और दो सबसे बड़े दल साथ में कांग्रेस, अगर एक हुए हैं तो बिहार के विकास के लिए एक हुए हैं और युवाओं के लिए एक हुए हैं। मोदी जी के डर से भी हुए हैं। देखिए, मोदी जी से क्या डरेंगे? मोदी जी अगर सीटें इतनी नहीं जीतते, मोदी जी आप खुद युवाओं से डर रहे हैं। कोई कल्पना कर सकता था कि लालू यादव और नीतीश कुमार साथ आएंगे? नहीं, मोदी जी अकेले लड़ रहे हैं क्या? बहुत काला रामविलास पासवान जी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ लड़ रहे हैं, पिछले मांझी जी के साथ लड़ रहे हैं, वो अकेले हैं, तो बोलिए दम है तो लड़े मोदी जी अकेले, हम भी अकेले लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ रहे हैं? आप लोग ऐसे कह रहे हैं मोदी जी इज ऑल एनडीए, भाई एनडीए के लोग 160 सीट पे बीजेपी लड़ रही है, कुशवाहा जी और मांझी जी और रामविलास पासवान जी का क्या होगा अगर बीजेपी अगर ज्यादा सीट जीत जाएगी तो? इनको कोई पूछने वाला है क्या? देखिए, बीजेपी के लोग आएंगे, कोई ये नहीं कह रहा है कि आप अकेले लड़िए, आप किससे गठबंधन कर रहे हैं तो आपके अपने जो बहुत स्वाभाविक होते हैं। आप हम लोग को कहते हैं कि भाई आरजेडी का सीट आएगा तो क्या होगा क्या होगा, हमारे नेता थोड़ी ना मौसम वैज्ञानिक है, उन्होंने जो एक बार कह दिया वो कह दिया, नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे तो होंगे, मगर एनडीए में कौन होगा? बिहार का विकास और युवाओं की बात कौन करेगा? कौन होगा मुख्यमंत्री मनोज जी, आप बताइए। नहीं देखिए, अब सवाल तो ये है, जानना चाहते, देश के युवा जानना चाहते हैं कौन होगा। एमपी लोग भी होते हैं, मनोज तिवारी जी को बीजेपी घोषित कर दे उसमें क्या हारा जाए? बहुत अच्छा मुख्यमंत्री देंगे, और वो ऐसा मुख्यमंत्री होगा हरियाणा महाराष्ट्र जैसा नहीं चाहिए। आज हरियाणा की स्थिति और महाराष्ट्र की स्थिति जो देख रहे हैं आप लोग, सब राज्य को नंबर वन बना रहे थे, कौन सा नंबर वन राज्य हुआ? आप बिहार आकर के बोल रहे नंबर वन राज्य। अरे एक साल हुआ ना तेजस्वी, अभी तो एक साल हुआ है,
एक साल हो गया, 25% अपना चला गया। आज नीतीश जी ने ठीक कहा कि मात्र और 2.5 साल बचा है, क्या काम कीजिएगा आप 2.5 साल में? एक साल तो चुनाव में आप लोग ले लीजिएगा, फिर कौन सा चरित्र दिखाइएगा? मूल सवाल पर मैं लौटना चाहता हूं। मैम, 3 महीने में काला धन आ रहा था, क्या हुआ उसका? आएगा साल क्या कर रहे हैं? जब आप 3 महीना वाला बात आपको जुमला बोल दिया तो ये 18 साल 4 साल बिहार का लड़का बताए कि उसको रोजगार मिला था। देखिए, पीछे जब हमारा एक डिजिटल इंडिया का एक कार्यक्रम हुआ, हमने घोषित किया 18 लाख लड़कों को एक दिन में रोजगार सृजित करके दिया। डिजिटल इंडिया की बात करें, कॉल ड्रॉप का समस्या नहीं सुलझा पा रहे हैं, आप डिजिटल इंडिया दीजिएगा। 18 लाख के बाद समस्या पहले सुलझाइए। दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूं कि इस एक साल में जब हमारे तेजस्वी बहुत जब जीडीपी की बात करते हैं तो मुझे खुशी होती है, लेकिन आज एक साल में देश की जीडीपी कहाँ है उसको तो देखना पड़ेगा। और आपका जो शासन था इतना लंबा, उसमें आपने क्या किया? उसमें हम लोगों ने सामाजिक न्याय करके दिखाया, जो पिछड़े लोगों को जो नहीं था उसको रोजगार दिया, शिक्षा में आपका रोजगार में सब जो जिनको ज्यादा आवश्यकता थी उनको हम लोगों ने लाया, मोटिव किया हम लोगों ने लाया। वही तो हम कह रहे हैं, उस दौर का जो दौर था वो सामाजिक न्याय का दौर। जब वो आएंगे तो आप लोग वही जंगल राज का सवाल पूछेगा या तो वो पूछेगा तो जवाब तो देंगे। और नरेंद्र मोदी जी आएंगे, यदुवंशी की बात करेंगे तो हम जब जवाब दे दें यदुवंशी के ऊपर तो हम जातिवाद हो जाते हैं। देखिए, हमारे देश में जिस जिस स्टेट में कास्ट हावी रहा है, कास्टिज्म हावी रहा है, वो स्टेट विकास की गाड़ी उसकी बहुत पीछे चली गई है। आज फिर से गुजरात में एक जानबूझकर साजिशन ये पाटीदार आंदोलन खड़ा किया गया गुजरात को। क्या हरियाणा में कास्टिज्म नहीं था? हरियाणा में कास्टिज्म नहीं था? उसको वो कैसे प्रोग्रेस किया? हरियाणा में जाट अहीर और आपका पंजाबी लोग का कास्टिज्म नहीं था? आप क्या बात कर रहे, गुजरों की कास्टिज्म नहीं थी? सवाल क्या है? ये सारे इन्होंने कहा कि जहाँ जाति है, जहाँ जाति होती है राजनीति की, वहाँ विकास नहीं कर सकता, तो हरियाणा कैसे? तो सवाल ये कि इस जातिगत राजनीति से ऊपर उठना नहीं चाहेंगे क्या? हरियाणा में कितनी खराब स्थितियाँ रही है तेजस्वी, आप देखिए। देखिए, आज हरियाणा चल पड़ा है, आज जहाँ चल पड़ा है, देख लीजिए, आप उसकी भी जीडीपी स्टडी करो। आप तो तालिबानी फैसला सुना देते हैं, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, किसको गाड़ी चलाना चाहिए नहीं चलाना चाहिए, किसको भाषा बोलना चाहिए उसको बोलना चाहिए, वो आप लोग यही काम में लगे हुए हैं। ये जो तालिबानी फैसला बोल रहे हैं ये पिछली सरकारों का है। अब ये बड़ा अफसोसजनक बात होता है, इसमें मोहर लगा रहे हैं आप? नहीं नहीं, मोहर नहीं लगा रहे हैं। एक सरकारी मशीनरी अपना काम करती है, जैसे ही मेरा ध्यान जाता है हम उसको हटा देते हैं। दलित के जो देता आप जो कहते हैं मांझी जी, सीट देने में उनको रुलाने का आपने काम किया, आप क्या सम्मान देंगे? नीतीश जी और लालू जी ने तो मुख्यमंत्री बना दिया, इतिहास के पन्नों में उनका नाम आ गया। सारी सुविधाएं मुख्यमंत्री का ले रहे हैं। हम वो सम्मान हुआ, हमको लगा कि 50-60 सीट मांझी जी को देंगे, उनको 20-20 सीट के लिए रोना पड़ा आपके पीछे। सुचेता जी, हमारे भैया के होर्डिंग पे लिखा है आगे बढ़ता रहे बिहार, हमने 4 लाइन कही कविता में कि शिक्षक है न आशा है न कोई रोजगार है, फिर भी वो कहते हैं बिहार में बाहर है, बिहार में बिहार में बाहर। चर्चा को यही खत्म कर रहे हैं, दरख्वास्त ये है कि खत्म, क्योंकि हम इस चर्चा को कर रहे हैं बिहार को लेकर, अगर एक एक कोई गाना आप समर्पित करते हैं। अरे आप गाना मत गवाओ, मैं इस चर्चा को यहीं पर खत्म कर रही हूँ, बिहार को समर्पित कर दीजिए अपनी कर्मभूमि को। इतना जरूर गाना चाहता हूँ, अरे जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, अरे जातिवादी के जहर निकाला, बिहार के तू और सजाला, अरे जागा हो जवान तनी गाई के तनी नाची के, अपने बिहार के माटी के और बढ़ावा ये भैया।